मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री श्री लाखन सिंह यादव 9 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर खंडवा आए। यह गरीबों की सरकार है, मछुआरों को उनका हक मिलेगा। वहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र हरसूद में मछुआ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव भावरिया एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक पटेल ने फिश फैक्ट्री खोलने की मांग कर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों से परेशान होने वालों के लिए प्रदेश सरकार अब जल्द ही एक प्रस्ताव पारित करने जा रही है, जिसके चलते अब कोई भी गाय को गोद ले सकते हैं। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत पहले चरण में 1000 गौशालाएं माह दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है तथा कुछ गौशालाएं बनकर तैयार भी हो गई हैं और उनका लोकार्पण भी हो चुका है तथा वहीं अगले चरण में पूरे प्रदेश में 3000 गौशालाओं को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। लेकिन अगर इसको सर जरूरत पड़ती है इमीडिएटली हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं ऑपरेशन और बकायदा इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी ब्लड की वगैरह सारी कुछ।